रैप्टे मार रहा था आके, मतलब वो किसी से मांग के लाया होगा और रैप्टे मार रहा था। देख हम लोग को देखा ना तो रैप्टे मार रहा है, बट ये लोग को रियल जिसका बाइक होता है ना जेन्यून, वो कभी शो अप नहीं करता भाई। ये लोग जैसे मैं कभी शो अप नहीं किया है, आराम से लगाए और फिर स्टारबक्स में कॉफी पीने चले गए, क्योंकि इधर का ना सबसे। सो भाई देखो अपना दो बर्गर, अब लोग खाना खा लिए लेकिन फिर भी दो बर्गर, ये अपना कोल्ड कॉफी और ये फिर अपना हॉट हॉट कॉफी है। सो भाई देखो यार पहले के ना मतलब और 8-9 बजे के बाद आओगे ना तो इतना खाली खाली सा रोड नहीं मिलेगा, लाइक बहुत ही ज्यादा जाम मिलेगा। सो अभी तो अपन लोग काफी खाली मिल रहा है, इसी कारण से देखो 70-80 का बीच में ही रख रहे हैं, लाइक देख सकते हो 80 का भी स्पीड है। प्लस हाँ जब भी लेन अपन लोग चेंज करते ना तो इंडिकेटर मार के चेंज करते प्लस कर। सो गाइस ये देखो ये क्या अपन लोग तोड़े हैं, तो गेस कर सकते हो क्या चीज है, लाइक इसका काटा देखो कितना नुकीला है एकदम, चुभेगा तो मतलब सोच सकते हो क्या ही कर सकता है। सो फाइनली गाइज बोर्ड देख रहे हो, मथुरा 100 किलोमीटर, आगरा 159-174 और फिर पलवेल 53 किलोमीटर और है। सो जय श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज अभी सुबह 5 बज रहा है और फिर देख रहे हो थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है और आज अपन लोग अभी और इसी वक्त वृंदावन की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि वृंदावन काफी दिन से नहीं गए थे, प्लस एक मात्र 2 बार अभी तक अपन लोग वृंदावन गए हैं। तो वहां पे प्रेम मंदिर है, वो भी आप लोग को वीडियो के थ्रू नहीं दिखाया है, ना ही अपन लोग वृंदावन गए उसका कोई वीडियो बनाया। तो आज एक बार फिर से जा रहे हैं अपन लोग वृंदावन और आप लोग के लिए एक स्पेशल सब ब्लॉग लाने वाले हैं, लाइक जिसमें भाई बहन को नहाने से ना ऐसा सुने हैं कि जो भी पाप किए होंगे ना सारा धुल जाता है और फिर पुण्य हो जाता है, ऐसा मतलब सुने हैं, बट देखते हैं वहां पे जाने के बाद क्या होता है। तो अपन लोग भाई बहन वहां पे नहाने वाले हैं, प्लस अपन लोग वहां पे एक रिजॉर्ट बुक करने वाले हैं, उसमें अपन लोग स्विमिंग करेंगे, उसमें स्विमिंग कंपटीशन भी अपन लोग करेंगे, तो उसमें देखते हैं विनर कौन होता है, कौन जीतता है और फिर काफी ज्यादा मजा करने वाले, प्रेम मंदिर जाने वाले, बहुत कुछ करने वाले। तो जो इस वीडियो के बाद वाली वीडियो आएगी ना प्लस ये वीडियो, सारा वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त वाला होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को देखते रहना गाइस, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। तो अभी अपन लोग पहले कार को बाहर निकाले और कार के ऊपर यार पार्किंग किया था ना, तो ऊपर से यार लाइक देख सकते हो फोटो में आपको दिखा रहा है चौमिन कोई खा के फेंक दिया, तो बताओ यार ये सही बात नहीं है ना, कहीं पार्किंग कर दो विश्वास के थ्रू, बट विश्वास ये लोग तोड़ देते हैं। तो चलो कोई ना, अभी अपना कार साफ सफाई कर लिए बाहर निकाल के और अभी अपन लोग इधर से निकलते हैं, लाइक देख सकते हो सुबह के साथ मैं आपको अक्षरधाम दिखाता हूँ कैसा दिखता है। सो ये अपना कार है, ये देखो थोड़ा थोड़ा तो पता भी चल रहा है, ये देखो नूडल्स अभी भी थोड़ा थोड़ा नूडल्स दिख रहा है ना, यही सारे लोग ऐसे ही फेंक दिए यार बताओ। और ये देखो सुबह का टाइम में अभी 5:30 हो रहा है, लाइक 5:24 मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 5:24 हो रखा है। सो अभी गाड़ी अभी काफी ज्यादा पास कर रही है और फिर अपन लोग क्रॉस करके देख रहे हो वाली अक्षरधाम मंदिर, भाई मतलब काफी अच्छा लग रहा है, प्लस देख रहे हो सुबह के टाइम का नजारा क्या ही मस्त वाला नजारा दिखता है। ये देखो सारा 4-व्हीलर आ रहा है जा रहा, और सामने के साइड देखो अपना अक्षरधाम मंदिर, अभी देख रहे हो उधर ना बहुत सारा कार पार्किंग करता है सारे लोग जब ओपन होती है तो, बट अभी कोई भी कार नहीं है और सुबह का नजारा काफी। सो भाई देखो यार पहले के ना मतलब और 8-9 बजे के बाद आओगे ना तो इतना खाली खाली सा रोड नहीं मिलेगा, लाइक बहुत ही ज्यादा जाम मिलेगा। सो अभी तो अपन लोग काफी खाली मिल रहा है, इसी कारण से देखो 70-80 का बीच में ही रख रहे हैं, लाइक देख सकते हो 80 का भी स्पीड है। प्लस हाँ जब भी लेन अपन लोग चेंज करते ना तो इंडिकेटर मार के चेंज करते प्लस करना भी चाहिए इंडिकेटर मार के, लाइक अभी अपने को थोड़ा सा राइट वाला लेन लेना है तो राइट इंडिकेटर मारो और फिर राइट के साइड हो जाओ, इससे क्या होता है ना प्रोटेक्शन काफी अच्छा हो जाता है, प्रोटेक्ट रहोगे, कोई भी आगे पीछे देख लेगा कि हाँ लेन चेंज कर रहा है, लाइक देखो मेरा राइट लेन चेंज हुआ है ना तो राइट इंडिकेटर है, अभी इसको डीपर मारो पासिंग लाइट ये पासिंग देगा, उसके बाद लेफ्ट इंडिकेटर देखो पास दिया ना, लेफ्ट इंडिकेटर लेफ्ट लेना फिर राइट इंडिकेटर राइट लेन। सो गाइस देखो यार सुबह के टाइम ये लोग साइकिल चलाते हैं सारे लोग, भाई देख रहे हो सबसे अच्छा बेस्ट एक्सरसाइज है भाई साइकिल, हर एक्सरसाइज करवा देता है भाई, जितना चलाओगे ना साइकिल उतना बेनिफिट होगा बॉडी में आपका। देखो सुबह सुबह सारे लोग हेलमेट में भी सारा ये सब इंडिकेटर लगाया हुआ है कि भाई कोई दूर से ही देख लिया कि हाँ कोई जा रहा साइकिल चलाते हुए, तो ये लोग 4:30-5 बजे सुबह से स्टार्ट कर देते हैं और अभी 5:48 हो चुका है 49 मिनट।
लेनी है, क्योंकि इधर से यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट होती है, लाइक ऊपर देख सकते हो जेवर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। तो अपन लेकर टोटल 150 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा जाना था, 40 किलोमीटर को लोग चल चुके हैं और अभी बच रहा है 110 से फिर 120 के आसपास और बच रहा है। तो इधर अपन लोग आ चुके हैं और आगे टोल टैक्स भी आ चुका है, लाइक देख सकते हो आगे टोल है, फास्ट टैग ये लोग बेचते हैं ऐसे ही करके। सो गाइस ये देखो ये सीन क्या मस्त लग रहा है ना, कितना भयानक लग रहा है, कितना चौड़ा रोड है। सोचो जितना आगे जाते जाओगे ना इतना ही चौड़ा सारा रोड मिलेगा, कहीं भी पतला नहीं मिलेगा। जितना दूर यमुना एक्सप्रेस वे है ना सारा इतना ही चौड़ा गया, कहीं भी पतला नहीं गया। लाइक लेन काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 लेन है ना वही मिलेगा आपको, 3 लेन में हो चुका, 4 लेन में हो चुका, टोटल इतना ही लेन आपको मिलेगा, इससे कम नहीं मिलने वाला। प्लस यहाँ पे ना मैक्सिमम स्पीड आप लोग 100 से ऊपर चला सकते हो, नीचे नहीं चलाना है क्योंकि कहीं कुछ भी हो सकता है। और अगर लेन चेंज करना हो ना एक्सप्रेस वे पे तो भाई इंडिकेटर जरूर मार के लेन चेंज करना, इससे बहुत ही सही होता है। प्लस 70 मीटर डिस्टेंस बना के रखना। फाइनली गाइज अभी अपन लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं। प्लस यहाँ पे गाइज व्हीकल्स ना काफी रफ फास्ट में भाग रही है और अभी सुबह का 6 बजने को है, लाइक 6 बज चुका है और अपन लोग टोटल 45-50 किलोमीटर चला चुके हैं। मात्र 25-30 मिनट में अपन लोग 50 किलोमीटर चलाए हैं। लाइक इतना साफ रोड था ना, इतना अच्छा रोड था ना, भीड़ बिल्कुल भी नहीं था, रस बिल्कुल भी नहीं थी, इसी कारण से ऐसा हो पाया। और यमुना एक्सप्रेस वे गाइज यहाँ पे 100 से नीचे नहीं चलाना होता है, अगर मेन राइट वाले लेन में हो ना तो हाई स्पीड लेन होती है तो उसमें 100 से नीचे नहीं चला सकते हो, मिडिल वाले में जा सकते हो 70-80। प्लस हाँ लेन चेंज करना हो ना तो इंडिकेटर जरूर मारना, तब जाके लेन चेंज करना, नहीं तो भाई एक्सीडेंट हो सकता है आपके कारण, बहुत ही ज्यादा लोग का एक्सीडेंट हो सकता है। तो लोगों को देखो यार कितना स्पीड जाते हैं यहाँ पे, तो ट्रक भी बहुत ज्यादा स्पीड जाती है यार, मतलब देख रहे हो ये यमुना एक्सप्रेस में कितना भयानक है ना, ये आप सोच सकते हो यार। सो गाइस ये देखो ये क्या अपन लोग तोड़े हैं, तो गेस कर सकते हो क्या चीज है। लाइक इसका कांटा देखो कितना नुकीला है, एकदम चुभेगा तो मतलब सोच सकते हो क्या ही कर सकता है। तो ये गाइस बबूल है और अपन लोग बबूल का दतमन तोड़े, क्योंकि मैं गाँव का लड़का हूँ ना तो मेरे को दतमन से काफी ज्यादा प्यार है, ब्रश से बिल्कुल ही कम। सो अपन लोग वृंदावन पहुंचेंगे ना तो अपन लोग यही दतमन से ब्रश करेंगे, दातुन करेंगे। ब्रश अपन लोग काफी कम यूज करना चाहते हैं क्योंकि दातुन काफी अच्छा होता है, तो इसीलिए तो अभी अपन इसको ना इसका काटा अपन लोग हटाते हैं और फिर इसको दतमन सही तरीके से बनाते हैं और कार में बैठते हैं, फिर आगे का नजारा आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हो गॉर्स इंटरनेशनल स्कूल, इधर गॉर्स का पीछे बिल्डिंग है, प्लस ये कुछ ही उसका स्कूल है, और फाइनली ये देखो अपना कृष्ण भगवान कान्हा जी, कितना प्यारा लग रहा है ना, देख रहे हो, जय श्री श्याम राधे राधे। तो ये अपना कृष्ण जी है गाइस, और फिर इधर का नेचर देख रहे हो क्या ही मस्त लग रहा है ना, और ये अपना कृष्ण जी अपन लोग देख ही लिए यार, देख रहे हो पानी इधर और आगे की साइड कमल का फूल है उनके नीचे, और कमल के फूल पे कृष्ण भगवान है, अच्छा लग रहा है। इसका जो नजारा है ना कान्हा जी का काफी प्यारा लग रहा है, क्योंकि मौसम भी ना बहुत ही मेहरबान है भाई, मतलब मौसम देखो ना जो एकदम लग रहा है फॉग टाइप का, ठंडा टाइप का मौसम लग रहा है, लेकिन ठंडा है नहीं, गर्मी का ही मौसम है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
21,221 किलोमीटर, अभी देखना 22,222 किलोमीटर होने वाला है। लाइक 83 का स्पीड, 84 का स्पीड, भाई कितना स्पीड 85 की, ये देखो 2-2-2 हो गया ना भाई, मतलब 5-2 हो चुका है 22,222 किलोमीटर। और सामने के साइड एक व्हीकल से ऐसे ही रुका हुआ, और ये अपना शंकर जी, हर हर महादेव। और आगे साइड अपन लोग जाते ही जा रहे हैं, और अपन लोग बजरंगबली का गाना सुन रहे हैं, क्योंकि गाना सुनते हुए जाते हैं, हनुमान चालीसा सब पढ़ते जाते हैं, तो ज्यादा अच्छा लगता है। फाइनली गाइज, अभी अपन लोग रेस्टोरेंट आ चुके हैं। लाइक यहाँ पे अपन लोग कुछ खाए पियेंगे, देख सकते हो टाइम 6:39, मतलब 40 होने को 6:40। अभी यहाँ पे अपन लोग रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे, और फिर मस्त वाला आगे जाके पेट्रोल भराएंगे, और फिर आगे निकलेंगे। सो फाइनली गाइज, अभी अपन लोग रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, और अभी कार अपन लोग इधर पार्किंग किए, और अभी खाने का तैयारी करते हैं। लाइक भूख जोर की लगी है, क्योंकि सुबह सुबह ही 3-4 बजे अपन लोग नहा धो के पूजा पाठ कर लिए थे, हनुमान चालीसा पढ़ लिए थे, उसके बाद बस ऐसे ही एक एप्पल खाए थे और फिर निकल चुके थे। तो भाई मेरे को ना नहाने के बाद ना बहुत जोड़ों का भूख लगती है, जब तक नहीं नहाते ना तब तक सही, पर ना नहाने के बाद बहुत ही जोड़ का भूख लग जाता है। तो अभी भूख लगा है, तो अभी अपन लोग खाते पीते हैं। 6:40 मतलब 7 बजने को, 7:45 बोल सकते हो। और सौम्या तो मस्त वाला सो रही है, सो ये देखो ये तो मस्त वाला सो रही है अभी, और कार का चाबी यहाँ पे, तो सौम्या को सोने देते हैं। और अपन लोग देखो, एक उधर भी रेस्टोरेंट है, देख रहे हो, स्टारबक्स कॉफी है, और फिर इधर देखो हाईवे मसाला, सो सौम्या का फेवरेट वो वाली स्टारबक्स कॉफी वाला, और फिर ये देखो हाईवे मसाला, यहाँ पे डोसा पिज्जा सारा कुछ मिलता है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी अपन लोग इधर ही ऐसे ही रुके हैं, लाइक ये अपना कार है, और देखो चारों तरफ का लोकेशन भाई, मतलब सारे लोग ऐसे रुक के खाना पीना खा रहे हैं, और उसके बाद सारे लोग निकलेंगे, प्लस टॉयलेट भी इधर है। और आगे की साइड देख सकते हो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। सो भाई देखो, अपना 2 बर्गर, अपन लोग खाना खा लिए, लेकिन फिर भी 2 बर्गर, ये अपना कोल्ड कॉफी, और ये फिर अपना हॉट कॉफी है। और सौम्या को भी दिखाते हैं ना, ये देखो सौम्या को सो रही है। सोमो बर्गर नहीं खाना है। सो ये देखो हॉट कॉफी बन रहा है, इसमें चीनी ऐड हो रहा है, शुगर, इसके बाद इसको मिला के आराम से पिया जाएगा। एक पोच काफी है, नफ है, मेरा तो कोल्ड कॉफी है, हॉट कॉफी मैं नहीं पीता हूँ ना, तो कोल्ड कॉफी ले लिए, थोड़ा बहुत मजा लगेगा, चिल्ड करेंगे अपन लोग भाई। और सौम्या देखो अभी सो ही रही है, इसको इसीलिए एक बर्गर है, एक मेरा एक सौम्या का है, बट ये तो सो रही है। हैज ब्राउन भी इसमें देख सकते हो, 2-2 पीस है, ये देखो हैज ब्राउन, देख रहे हो आलू का टिक्की भाई, इसको हैज ब्राउन बोलते हैं, देख रहे हो। और यहाँ पे भाई इतना सारा ब्लॉगर आ चुके हैं ना, मतलब राइडर्स लोग, देख सकते हो भाई, हार्ली डेविनसन, BMW, दो हार्ली डेविनसन, प्लस इधर लड़की भाई, सारा लड़की लोग राइडिंग करती है यार, लड़का लड़की सारे लोग, देख रहे हो, प्लस उधर देखो हायाबुसा है उधर लगा हुआ। सो गाइस ये देखो, अभी फिर से ब्लॉगर आए भाई, राइडर्स, देख रहे हो भाई, लड़का लड़की सारा, उधर तो डोमिनार 400 आया, और एक KTM ड्यूक 390 उधर वाला, जिससे एक लड़का एक लड़की बैठे थे, प्लस ये देखो इधर के साइड BMW है, और उधर वाला कौन सा बाइक पता नहीं, बट ये लास्ट वाला स्प्लेंडर के बाजू वाला दिख रहा है, ये हार्ले डेविडसन है ये है। फिर उधर के साइड गाइस हायाबुसा है, जो कि यहाँ से नहीं दिख रहा होगा भाई, रैप्टे मार रहा था आके, मतलब वो किसी से मांग के लाया होगा, रैप्टे मार रहा था, देख हम लोग को देखा ना तो रैप्टे मार रहा है, बट ये लोग को रियल जिसका बाइक होता है ना जेन्यून, वो कभी सो अप नहीं करता भाई, ये लोग जैसे मैं कभी सो अप नहीं किया है, आराम से लगाए और फिर स्टारबक्स में कॉफी पीने चले गए, क्योंकि इधर का ना सबसे कॉस्टली कॉफी स्टारबक्स में ही मिलती है, इसी कारण से जो भी राइडर्स आते हैं सारे लोग इसी में जाते हैं। लाइक देख सकते हो अभी एक और राइडर निकली है। सो भाई लड़का लड़की सारा लोग इधर राइडिंग करते हैं, प्लस बहुत सारे लोग खाने पीने के लिए आए, देख सकते हो सारे। सो गाइस जेलस फील हो रही है यार, सारे लोग इतना अच्छा अच्छा बाइक देख रहे हैं ना, प्लस रैप्टे मार रहे हैं भाई कुछ लोग तो शॉप के लिए, तो देख के जेलस फील हो रहा है, बट कोई ना, अपना भी समय आएगा, अपन लोग भी बाइक का किंग बनेंगे, देखते हैं कब ऐसा वक्त आता है। सो अभी अपन लोग जा रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए, और फिर ये लंबा लाइन देख रहे हो, ये CNG का लाइन है भाई, ये लंबा लाइन पूरा ना CNG वाला, बट अपने को पेट्रोल चाहिए, तो सो फाइनली गाइज अभी अपना कार में पेट्रोल आ रहा है, लाइक देख सकते हो डीजल और पेट्रोल दोनों है, तो पेट्रोल आ रहा है, मतलब यार थोड़ा सा भी पेट्रोल नहीं था, थोड़ा बहुत था, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं था, पेट्रोल था, बट फिर भी पेट्रोल आ रहा है, कैसे 95.11 भाई, बिहार में तो 108 रुपये है भाई,
अभी कैसे रेट है बिहार से देख रहे हो तो बताना। 1300 का पेट्रोल है, 1381, 1400 पूरे पूरी हो गई है। पेट्रोल पंप काफी बड़ा है गाइस, देख सकते हो। प्लस उधर के साइड हवा चेक होता है, वहाँ पे फ्री का हवा, हवा बिल्कुल भी नहीं था। ये क्यूट दिख रही है ना, इनका बिल्कुल ही हवा नहीं था। तो ये भी लाइन में लग चुके हैं और अपन लोग भी लाइन में। प्लस वहाँ के साइड, वहाँ से हवा चेक होगा अपना। तो फाइनली गाइस देख सकते हो बारिश हो रखा है इधर भाई। पेट्रोल पंप से निकले 1 किलोमीटर के आसपास पहुंचे हैं और फिर बारिश देखो कितना भयानक वाला हो रखा है। आगे टोल प्लाजा भी है और पानी इतना पड़ रहा है ना कि भाई कुछ दिख ही ना रही है। देख रहे हो कैसे गाइस पहुंच चुके हैं अपन लोग टोल टैक्स के बिल्कुल करीब। और जो कार मेरे आगे आया था ना वो पीछे हो गया भाई, क्योंकि मेरे आगे आया, हम उसके आगे आ चुके हैं। क्लीन आ रहा है अब, देखो भाई क्या सीन होता है। ग्लास एकदम क्लीन हो गया ना, इसी कारण से एकदम क्लीन वाला वीडियो आ रहा अभी। इतना टाइम लग गया भाई, हैशटैग इतना लगा हुआ है फिर भी ऐसा। ये देखो ऑटोमेटिक सा कट चुका है अपना फ्री फायर, मतलब भाई क्या फ्री फायर ही दिल में आ रहा है, सिर्फ दिमाग में। फास्टैग कट चुका है गाइस, एकदम आते के साथ ना ऑटोमेटिक सा कट गया। तो इसी कारण से फास्टैग भाई यूज करो, ताकि कोई पैसा वैसा का लोचाला पाटा नहीं रहेगा कि कैश देना आपको। फाइनली गाइस अब अपन लोग यमुना एक्सप्रेस वे छोड़ के मथुरा की तरफ घुस रहे हैं। इधर से अपना वृंदावन भी जाने का रास्ता है, तो इधर से अपन लोग लेते हैं लेफ्ट साइड और फिर आगे जाने के बाद करीब यहाँ से कितना 9 से 10 किलोमीटर और होगा यहाँ से वृंदावन प्रॉपर अपना जहाँ पे स्टे करेंगे ना वहाँ पे, यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर और है। तो अपन लोग चलते हैं, कितना टाइम लगता है तो भाई मतलब भक्ति बताएगा। अभी तो जा ही रहे हैं, सिर्फ अपन लोग ऑनलाइन रिजॉर्ट अपन लोग बुक कर लिए हैं, बट देखते हैं क्या होता है। हमेशा जब भी आए ना, दो बार आ चुके उसी रिजॉर्ट में, तीसरा बार अपन लोग जा रहे हैं। भी जा रही है बाजू से ही माल गाड़ी है, मतलब ऐसा वाला सीन कितना मस्त लगता है समझ रहे हो। अपना अगर खाली खाली सा रोड होता है ना तो ट्रेन से टक्कर ले लेते भाई, किसका कितना स्पीड चलता है। बट अभी भी ले सकते हैं, लेकिन मतलब रोड देख रहे हो कैसा है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा। इसी कारण से नो भाई, कोई रिस्क लेना नहीं अपने को। आगे की साइड बच्चा है फोर व्हीलर में, तो और भी रिस्क नहीं लेना, प्लस अपने साथ भी एक बच्चा है। और इधर फाइनली गाइस देख सकते हो ये यमुना नदी है भाई, कितना विशाल कितना भयानक लग रहा है ना ये यमुना नदी है गाइस। और फिर इधर का रोड ना बहुत, बट ये वाली जो फ्लाईओवर है ना, ब्रिज है ना, क्योंकि नीचे यमुना नदी उसी कारण ये ब्रिज है। तो ब्रिज तो सही लग रहा है, लेकिन पीछे का रोड इतना खराब था ना भाई कि बता ही नहीं सकते, एकदम टूटा फूटा जहां तहां गड्ढा भाई। तो ऐसे में तो भाई गाड़ी का हाल एकदम बेहाल हो जाएगा। बट इधर का भी देखो ना, इधर भी वैसा ही है, देखो साइड साइड से चिपकी कबड़ा हुआ है, कहीं कहीं कहां जहां तहां से एकदम कड़ रखा है रोड का। सो भाई देखो यार जाम, प्लस रोड का हाल देख रहे हो, नीचे के साइड देखो कैसा कैसा गड्ढा है भाई। ये भाई ये बच गया, अब यहाँ से अपने को राइट लेना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि मैप भी ना कभी कभी थोड़ा सा गलत रूट दिखा देता है। सो यहाँ से राइट लेना, प्लस यहाँ पे क्या हुआ है। सो ये देख रहे हो बैनर को, और सामने की साइड देखो क्या लिखा हुआ है, श्री कृष्ण नगरी मथुरा में आपका स्वागत है, यमुना सर्किल, ये सर्किल का नाम है वृंदावन इधर के साइड, प्लस यमुना सर्किल इसका नाम है, जो ये चौक है ना इसको यमुना सर्किल बोलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं, और अभी यहां से अपन लोग निकलते हैं और फिर विश्राम घाट जाते हैं, जहां पे भाई बहन को स्नान किया जाता है ना, वहां पे चलते हैं और फिर वहां का नजारा आपको दिखाते हैं। उसके बाद अपन लोग स्नान करेंगे और फिर अपन लोग अपना रिजॉर्ट की तरफ मूव करेंगे। तो चलो अभी यहाँ से फिलहाल निकलते हैं।
लाइक देख सकते हो सामने के साइड ऑटो भी खड़ा है कि भाई लेके चलना है इन लोगों को विश्राम घाट, प्लस यहीं पे पार्किंग में लगा देना है कार अपना, और उसके बाद यहाँ से 1 किलोमीटर आगे अपने को पैदल ही चलना है। प्लस सौम्या को देखो ये उठ ही नहीं रही है, सौम्या उठ जाओ ना, ओए ओए, अरे उठो ना, चलना है ना, ये उठ ही ना रही है भाई, बहुत ही ज्यादा कुंभकर्ण से भी भयानक इसका नींद है। अबे उठ जा, उठ जा, देख रहे हो ना नहीं उठ रही है बिल्कुल भी नहीं। सो देखो अभी सामने की साइड अपने को चलना है, इसको उठा के तो लेके जाना पड़ेगा भाई। ये देखो अपन लोग टोटो से जा रहा है द्वारिकाधीश, इसको बोलते हैं विश्राम घाट है ना, उनको द्वारिकाधीश बोलते हैं, तो अपन लोग टोटो से ही जा रहे हैं। ये देख रहे हो भाई क्या ही मस्त नजारा लग रहा है इधर का, देख रहे हो व्यू भाई, बोट से इधर उधर जाना होता है, और ये देखो इधर का नजारा देख लो, सुबह सुबह का नजारा है ऐसा वाला। सुबह जी यहाँ से नहीं, अपने को उस साइड जानी है नहाने के लिए। सो यहाँ से अपने को ये वाली बोट है इस पे बैठनी है, और फिर उस तरफ जाएंगे, उस तरफ घाट पे नहाएंगे, क्योंकि इधर का पानी ना बोल रहे हैं यहाँ पे नीचे देखो काई लगा हुआ तो फिसल के गिर भी सकते हैं, बट उधर रेत है तो अपन लोग आराम से नहा सकते हैं। तो अभी बोट पे चलते हैं और फिर उस तरफ होते हैं इस वाली बोट से। तो यही वाली बोट पे अपन लोग बैठने वाले हैं भाई। एक बार अपन लोग ना बैठे थे कहाँ, अपन लोग जब वाराणसी गए थे ना वहां पे बैठे थे, और इस बार अपन लोग वृंदावन में आके बैठ रहे हैं। लाइक देख रहे हो यमुना नदी, जय यमुना मैया। भाई पानी काफी सारा गंदा कर देते लोग यार, नाला का पानी इधर छोड़ देते ना उसी में गंदा हो जाती है, बट उधर के साइड देखो पानी काफी साफ है ऐसा बोल रहे हैं भैया, बट क्या सीन है उधर तो जाने के बाद ही पता चलेगा। प्लस उधर के साइड देखो मालगाड़ी जा रही है। सो गाइस अभी अपन लोग जा रहे हैं, बस बोट पे बैठ चुके हैं और बोट का मजे ले रहे हैं हम लोग, और फिर यहाँ से निकलते हैं। पीछे के साइड देख रहे हो, पीछे के साइड ही जानी है अपने लोग। भाई बोट के नजारे देख रहे हो, उधर का सीन देखो यार क्या ही मस्त। बस पहुंच भी गए यार, देखो काफी कम भी पानी है, पानी भी उतना ज्यादा है नहीं, बट हाँ फिर भी सही है, पानी बहुत कम है। टाइटेनिक पे आ गए। तो भाई हमारे लिए तो भाई ये ओशियन से कम ना। समुद्र तो बहुत दिन हो गया देखे हुए। तो ये देखो यहाँ पे स्नान करते हैं लोग, कौन सा पोज, टाइटेनिक पोज। इधर देखो सारे लोग आते हैं, यहीं पे स्नान करनी है अपने को। पानी लेकिन थोड़ा सा साफ नहीं है ज्यादा, बट फिर भी चलो छोड़ो यार, धार्मिक स्थल है ना तो ऐसा चलता है। प्लस ये देखो सारे लोग, बहुत सारे लोग है यहाँ पे, डॉगी है, गाय है, ये सब। चलो तो अपन लोग यहाँ से उतरते हैं भाई। सो अभी तो आ चुके हैं अपन लोग, और अभी यहाँ से नहाते हैं, अभी नहाने का प्रक्रिया स्टार्ट करते गाइस। सो नहाने के बाद आपसे जस्ट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई थोड़ा सा समझ रहे हो ना वीडियो कौन बनाएगा इसी कारण से। तो चलो नहाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं गाइस। तो अभी अपन लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, फिर यहाँ से डायरेक्ट अपन लोग रिजॉर्ट की तरफ निकले हैं, क्योंकि काफी ज्यादा थकान भी हो चुकी है थोड़ा बहुत। सो अभी चलते हैं अपन लोगों को स्नान करने के लिए। सो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें गाइस, क्योंकि आपको जो भी दिखाना था वो दिखा दिए, बाकी का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे, आपको दिखाएंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, बाय बाय।